को उतारा गया। ये बड़ी खबर भिंड से आपको बता रहे हैं, एयरफोर्स का लड़ाकू विमान जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। नया गांव थाना क्षेत्र के जखोली गांव का ये मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं भिंड से, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। पायलट की सूझबूझ से यह हादसा चला है। दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, नया गांव थाना क्षेत्र के जखोली गांव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको वंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। अचानक से कुछ तकनीकी खराबी आई इस लड़ाकू विमान में, उड़ान भरी थी इस विमान ने, और तकनीकी खराबी के चलते जखोली गांव में इमरजेंसी लैंडिंग इसकी करवानी पड़ी। संवाददाता सौरभ शर्मा हमारे साथ भिंड से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले जानकारी दीजिए, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम विमान में आई थी? देखिए जया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लोडिंग करने पड़ी। दो पायलटों को सुरक्षित बच गए, और गांव वालों ने वहां पर उनकी मदद की। और अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई कि तकनीकी खराबी क्या, जखमोली नए गांव के जखमोली गांव में उसे उतारा गया। पायलट की सूझबूझ की वजह से ये बड़ा हादसा यहां टला है। जी जया, सौरभ कहां से उड़ान भरी थी इस लड़ाकू विमान ने? क्या प्रशिक्षु पायलट है या ट्रेनिंग ले रहे थे, कहाँ के लिए उड़ान भरी थी? देखिए जया, जो महाराजपुरा से सीधे लड़ाकू विमान है, तो उनका चलता उनका वो उड़ान भरते रहते हैं। उसी उड़ान में उनको अचानक बीच में ही तकनीकी खराबी लगी, तो पायलट ने अपने दो पायलट वहां बैठे उसमें थे, उन्होंने देखा कि इस स्थिति काफी नजदीकी जो कुछ गांव ऐसे थे बिल्कुल नजदीक टकराने वाले थे, तो इमरजेंसी लोडिंग उन्होंने जखमोली गांव में की, और इस वजह से बहुत बड़ा यहां जो हादसा होना था वो टल गया है। अभी दोनों सुरक्षित पायलट अभी किसी से बात नहीं कर रहे, उन्होंने महाराजपुरा से बात की है अपने लोगों के वहां पर, और दूसरी पुलिस फोर्स यहाँ रवाना हो गया, पुलिस फोर्स भी पहुंचने वाला है वहां पर। जया, सौरभ बाकी टीम पहुंच गई है, जो भी एयरफोर्स के बाकी अधिकारी हैं क्या वो मौके पर पहुंच गए हैं, इससे जुड़ी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? प्रशासनिक अमले की भी क्या मौके पर पहुंचने की जानकारी है? जी जय, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासनिक अमला जो थाना उमरी थाने की टीम है वहां पहुंच गई है, और भी जो अमला उनका है, जो उनका एयरफोर्स का अमला भी पहुंचा नहीं है, कुछ ही देर में एयरफोर्स का अमला भी पहुंचाएगा और उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी क्या तकनीक खराबी क्या, लेकिन फिलहाल अभी पायलट कुछ बता नहीं है, मैं सक्षम नहीं है। जया धन्यवाद आपका सौरभ जानकारी के लिए, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम, क्या तकनीकी खराबी इस लड़ाकू विमान में आई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि एक बड़ा हादसा चला है, दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जैसे ही पायलट्स को कुछ लगा ऐसा कि विमान में शायद कोई प्रॉब्लम है, तुरंत इस लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। और आप देख सकते हैं जखोली गांव, नया गांव थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं, और जैसे ही इस लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मौके के लिए एयरफोर्स के अधिकारी भी रवाना हो चुके हैं।